मुंगावली और कोलारस उपचुनाव में जीत के बाद पहली बार मीडिया से रूबरू हुए कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। भोपाल में मीडिया से चर्चा के दौरान सिंधिया बोले कि उपचुनाव में सीएम और उनके मंत्रिमंडल सहित पूरी भाजपा ने ताकत झोंक दी, लेकिन जनता ने कांग्रेस का साथ दिया। यह धन बल के आगे जनमत की जीत है। जिस तरीके से मैं ये कहूंगा कि भाजपा के धन बल पर जनबल की जीत, भाजपा के मंत्री बल पर जनबल की जीत, भाजपा के बाहुबल पर जनबल की जीत। वहीं उपचुनाव में कांग्रेस के वोट बैंक में आई कमी को लेकर सिंधिया का कहना था कि उपचुनाव में किसकी नाक कटी है यह हर कोई जानता है। कोलारस और मुंगावली में तो भाजपा का झंडा लहराया, अब किसकी नाक कटी है, किसकी आधी नाक कटी है, किसकी पूरी नाक कटी है, ये विश्लेषण मैं करूं ये उचित नहीं होगा, ये विश्लेषण तो आप करें वो ज्यादा उचित है। कांग्रेस सांसद ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला और कहा कि जिस तरह से पूर्व मंत्री सरताज सिंह का दर्द सामने आया है, उसके बाद यह बात साफ हो गई है कि एमपी में बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जनता ने ये स्पष्ट संकेत नहीं लेकिन आग्रह कर दिया कि अब भाजपा की विदाई मध्य प्रदेश से तय होगी। एक और बात मैं जरूर कहूंगा कि जब स्वयं भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर जी और सरदार सिंह जी, जो भाजपा के बड़े वरिष्ठ सम्माननीय मंत्री, स्वयं प्रदेश की व्यथा सुना रहे, तो प्रदेश की जनता की असलियत क्या है वो आप और हमारे सामने, क्योंकि हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बयानों के तीर चलाए और कहा कि जब से देश में बीजेपी की सरकार आई है तब से असहिष्णुता का माहौल बन गया है। देखिए, ये मैं इस विषय को हम लोग पिछले 4 साल से आपके सामने हम लोग उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आज एनडीए और बीजेपी की सरकार आने के बाद पूरे देश में एक असहिष्णुता का माहौल तैनात हुआ है, जो हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता के विपरीत है। मूर्ति जिसकी भी लगी हो, अगर आप किसी भी मूर्ति को खंडित कर रहे हो तो आप अपने देश की सभ्यता को आप खंडित कर रहे हो। और मुझे तो ये आश्चर्य है कि गुनाह भी वही व्यक्ति करे और गुनाह का विरोध भी वही पार्टी करे। आपने दो उदाहरण मुझे दे दिए, दोनों उदाहरणों में अगर प्राथमिक तौर पर कोई जिम्मेदार है तो वो भाजपा का ही कार्यकर्ता जिम्मेदार है। उपचुनाव में जीत के बाद कांग्रेस सांसद पूरी तरह उत्साहित नजर आ रहे हैं और शिवराज के खिलाफ बयानबाजी तेज हो गई है। अब देखना यह होगा कि मिशन 2018 में सिंधिया किस तरह से शिवराज सरकार को चुनौती देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल। जो कोलारस और मुंगावली में कांग्रेस का परचम दोबारा लहराया है,